री रॉ एंड रियल कोई फसाद नहीं है उसमें माई फर्स्ट like होने से एक दिन पहले मैं बिल्कुल भूल गई थी मुझे लगाई क्राइम डेली क्राइम के बाद आई मस्ट बिन ऑफर थ्री ऑफ द टॉप रोल्स लेकिन फिर लगता है कि वही और हाउ डू मैच अप टू वर्तिका जब पैकअप होता है और दूसरे दिन का कॉल होता है उसके बीच में सिर्फ एक चीज मेरे दिमाग में रहती है वो नींद क्या आपने रियल में किसी ऐसे पुलिस ऑफिसर से बात करी उन्हें समझने की कोशिश करी ताकि डीसीपी वर्तिका का रोल प्ले करने में शिफाली शाह को इजी हो दिल्ली पुलिस सदैव आपके लिए ये कहना है दिल्ली पुलिस का लेकिन आज जो मेरे गेस्ट आए हैं ना इस पूरी टीम ने साबित किया है और बताया है कि किस तरीके से क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस अपनी जी जाल लगा देती है आई एम सुपर ऑनर्ड एंड सुपर प्राउड टू वेलकम इंटरनेशनल एम अवार्ड विनिंग टीम दिल्ली क्राइम एंड नाउ दे आर बैक विद सीजन टू तो फटाक से स्वागत करते हैं शेफाली शाह रसिका दुग्गल तनु चोपड़ा एंड राजेश हेलो एवरीवन हेलो सबसे पहले तो बिग कॉन्ग्रेचुलेशन इंटरनेशनल एम अवार्ड अपने नाम किया है आई क्विकली नो कि कि जब आप आप लोगों लोगों को पता चला अवार्ड टू तो दिल्ली क्राइम, तब के क्या रिएक्शन थे uh, मैं तो चीख रही थी और नाच रही थी थिंक माई फर्स्ट मीन वही था बट जब मुझे पता चला कि Like, होना ही होना चाहिए आपका क्या था था? Uh, actually, जब नॉमिनेशन हुआ तो मैं बहुत एक्साइटेड थी लेकिन अवार्ड अनाउंस होने से एक दिन पहले मैं बिल्कुल भूल गई थी कि awards होने वाले <laughs> सकते हो बड़ी बात <laughs> और इनफैक्ट रिची और मेरी लंबी कॉन्वर्सेशन हुई एक दिन पहले मैं उससे मैं उस समय किसी और प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी वो भी दूसरे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था और हमारी कुछ एक घंटे की डिस्कशन हुई कुछ क्रिएटिव चीज़ों के बारे में और हम दोनों ने एमी अवार्ड्स के बारे में बात ही नहीं की और अगले दिन जब अवार्ड अनाउंस हुआ और आ, हम जीत गए तो मुझे लगा एक बार हम लोग एक्नोलेज तो कर लेते एक दूसरे को wow. कि कल अवॉर्ड्स अनाउंस होने वाले लेकिन बहुत अच्छा लगा मुझे लगता है कि डली क्राइम सीजन वन एक बहुत ही बहुत ही बेहतरीन शो है और सब ने बहुत ही सेंसिटिविटी से काम किया है तो आई एम हैप्पी कि उसको इस तरह का मिला है wow. तनुज आप भले ही सीजन टू के डायरेक्टर हो बट जब सीजन वन के लिए अवार्ड मिला तो आपका क्या रिएक्शन था खुश हूँ मैं मैं खुश हूँ आ, ने, मेरा नया ने, नया शो है मेरे पास लेकिन आ, मैं खुश बहुत खुश बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है और अ, प्रेशर तो नहीं है ये आ, सब अच्छा एक्टर्स है एक्ट्रेस तो आ, देर अमेजिंग है ना सो so, यह ये थोड़ा चैलेंज है और थोड़ा Um, uh, you can speak in English, no? yeah, but I want to practice my Hindi in front of everybody. Hindi <laughs> 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 But, but I'm, I'm very excited. It's a, uh, to inherit something like that is beautiful. But credit goes to Richie for season one, and uh, even though I wasn't part of making it, uh, it, it gives me a lot of um, uh, to take it forward. It, it gives me a lot of motivation. When I was nominated, I thought we a good chance to win. उसके बाद मैं भी सच में भूल गया क्योंकि क्योंकि मैं 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 राजस्थान राजस्थान में 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 लॉकडाउन फंसा हुआ हुआ था था और फिर का कॉल आया तब मुझे 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 पता चला रात को है ना तो मुझे बिल्कुल मुझे, मैं, क्योंकि मैं राजस्थान में आराम से अपने घर बैठा था, कोई न्यूज़ भी नहीं देख रहा कुछ नहीं कर रहा मतलब जलसा मतलब हर बार नया शो नया अवतार एंड शिफॉली वॉज लाइक बैंग ऑन और आपकी जो जर्नी है वो इतनी डाइवर्स रही है एंड आई रियली वन नो कि हर बार जो आपका कैरेक्टर है कैसे हर बार नया कर लेते हो मतलब डार्लिंग्स में एकदम अलग से आपका रूप था दिल्ली क्राइम में डी सी पी वर्टिका एकदम अलग है कैसे कर लेते हो एज एन एक्टर वही तो चैलेंज और इंटरेस्टिंग होता है कि आप अलग अलग uh, रूप धारण करें yeah. आप अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले करें जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हों और कोई भी कैरेक्टर में आपकी खुद की झलक नहीं आनी चाहिए ये मेरा आ, मेरी मेहनत रहती है और जब इतने वन इज़ अ चॉइस क्योंकि लाइक डेली क्राइम के बाद आई मस्ट बीन ऑफर टू थ्री ऑफ द टॉप रोल्स लेकिन फिर लगता है कि वही और हाउ डू मैच अप टू वर्तिका बहुत मुश्किल वर्तिका का लेवल तो लाइक बहुत अभी दोबारा मैं कॉप करके अनलेस इट्स टोटली टोटली डिफरेंट और आ, लाइक like, दिल धड़कने दो के बाद आई गॉट ऑफर सिमिलर वर्क और बहुत बेहतरीन डायरेक्टर्स बहुत बेहतरीन फिल्म लेकिन मैंने डिसाइड किया था अब एक बार कर लिया ना अब दोबारा वही नहीं कर सकती मैं एंड इज बोरिंग I I I mean, I would not have been an actor if I had to do the same thing over again and again. and yeah. So, um, it's great कि अलग अलग कैरेक्टर्स ऑफर भी uh, yeah. कर रहे हैं लोग और कॉन्शियसली वही चॉइस रहता है कि रिपीट ना करो आई थिंक इसीलिए आप

नहीं हो पा रहा नहीं हो पा रहा इतना ज़्यादा वो इंटेंस सीन था बट एज अ डायरेक्टर आप जब एक इस तरीके की सीरीज बनाते हो उसमें कोई फिक्शन नहीं है कोई मसाला नहीं है कुछ भी ऐसा मतलब सॉन्ग नहीं है कुछ नहीं है कितना डिफिकल्ट हो जाता है कि विदाउट कोई भी फिक्शन करे इतने सीरियस टॉपिक को पर्दे पर उतारना द शो नीड्स It's difficult. You have to live with the crime. You have to live with the idea. It, you get um, nightmares sometimes, you know. But uh, th this way of storytelling, you can get to a different kind of truth too. So, as you see, the show goes. There's uh, it builds with more and more. Um, the the fear turns into something else in the show. So you have to start the sh start the season by setting a tone. मतलब वही क्योंकि बहुत इंटेंस है एंड ऐसा भी नहीं है कि जैसे अभी तो हमने फर्स्ट एपिसोड देखा है जब प्रॉपर सीजन टू आएगा तब हम सारे एपिसोड देखेंगे बट सीजन वन में भी इतने इंटेंस सीन आई थिंक डायरेक्टर के परस्पेक्टिव से जो आपने बोला कि इट्स लाइक वेरी डिफिकल्ट टू डू दिस दिस फर्स्ट सीजन वाज मोर प्रोसीजरल यू नो पीस पर्सन टू पर्सन दिस सीजन इज मोर ऑफ अ रश मोर ऑफ अ राइड Really जो आपका ah. ah, <laughs> <वाँ। laughs> really Mirza कर था ना वो एकदम अलग डेली क्राइम में नीति का कैरेक्टर एकदम अलग तो नीति का कैरेक्टर करने के बाद और मिर्जापुर के बाद अब दिल्ली क्राइम के बाद रियल लाइफ में रसिका की जिंदगी ने कितना थ्री सिक्सटी डिग्री का चेंज लिया जिंदगी में मैं तो मैं जनरली टेंडेंसी यही होती है कि मैं नीति की तरह रहती हूँ थोड़ी सिंसियर हूँ थोड़ी आइडियलिस्टिक हूँ लेकिन मेरे अंदर एक बिना त्रिपाठी शायद है जो चाह रही थी कि उसे ऐसा मौका मिले कि ऐसा किरदार करने का मौका मिले तो वो साइड भी एक्सप्लोर हो जाए

बट राजेश फर्स्ट सीजन में ना आप अपनी बेटी की शादी के लिए बहुत परेशान होते हो एंड सेकेंड सीजन के फर्स्ट एपिसोड में भी आप अपनी बेटी के लिए मेट्रीमोनियल प्रोफाइल बना रहे हो मोस्ट रोमांटिक रोमांटिक फिल्म में आप मिस्टर इंडिया का नाम डाल रहे हो लेकिन देन कट टू सीधा क्राइम सीन जहाँ पे जाके भूपेंद्र का जो कैरेक्टर है वो बच्चे को है हटा रहा है ताकि उसका माइंड डाइवर्ट कर रहा है कि अगर वर्तिका जब उस एक जिसके पेरेंट्स के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है उन्हें संभाल रही है समझा रही है कितना डिफ़िकल्ट होता है लाइक like, भूपेंद्र के के खुद के कैरेक्टर में इतने सारे अलंदन कैरेक्टर्स हैं तो कितना डिफिकल्ट हो जाता है देखिए यही यही तो खूबसूरती होती है ना किसी कैरेक्टर को प्ले करने की कि उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिनको मतलब यूनिडिमेंशनल नहीं है ना तो और ये, ये और यही डेली क्राइम में है ना कि आप एक झटके में आपको काम पे आ जाना है और एक झटके में आपको पर्सनल लाइफ को हैंडल करना है और इतनी मतलब हीनियस क्राइम साइट पे भी आपकी सेंसिटिविटी का लेवल क्या रहना चाहिए वो वो भी ख्याल रखना हर वक्त तो मुझे लगता है ये ये एक बहुत अच्छा खूबसूरत चीज है करने के लिए एज एन एक्टर और कैरेक्टर भी कितना प्यारा बनता है ना हाँ, बट शिफाली नॉट जस्ट मी आई मेरे को लगता है कि जितने भी सब लोग यहाँ बैठे हैं ना इस चीज से टोटली एग्री करेंगे कि आप ना एक्टिंग तो बहुत शानदार करते हो लेकिन आप अपनी आंखों से बहुत कमाल खेलते हो यू नो ह्यूमंस में भी एक सीन था जब बोर्ड रूम में आप बैठे हो सडनली एकदम आप आंखें बड़ी कर लेते हो उस मोमेंट पे और अभी वर्तिका हाथ का खेल है या फिर मुझे टफ लगता है करना वो एक कॉन्शियस एफर्ट नहीं है मैं जेनुइनली मानती हूँ कि हमारे पास एक कैमरा का प्रिविलेज है जो छोटे से छोटे न्यूंस पकड़ सकता है अगर आप कोई एक चीज़ दो शब्दों में कह सकें तो चार मत इस्तेमाल करें और अगर आपको दो की भी ज़रूरत ना पड़े तो कोई शब्द ना इस्तेमाल करो इट कैन बी डन विदाउट वर्ड और हाउ एम आई गोइंग टू डू इट माई आईज इज नॉट अ कॉन्शियस एफर्ट और थाट कि इसमें मैं ये करूँगी अगर आपको फील हो रहा है तो वो आपकी आंखों में दिखेगा I, I mean, that's how it is. ये तो है बट यू नो जब इस तरीके की डेली क्राइम जैसी सीरीज होती है कभी ऐसा हुआ कि जब वर्तिका के लिए खुद के अंदर इतने शेड्स हैं वर्तिका के भी क्या आपने रियल में किसी ऐसे पुलिस ऑफिसर से बात करी उन्हें समझने की कोशिश करी ताकि डीसीपी वर्तिका का रोल प्ले करने में शिफाली को इजी हो ऑफकोर्स सीज़न वन के वक्त uh, मैं छाया मैम से मिली थी जिन्होंने वो केस सॉल्व uh, किया था और uh, दो तीन घंटों के लिए मिली थी uh, मेरे सवाल थे थ्रूआउट द शो बहुत सारे सवाल थे और मैं उनको टेक्स्ट करती थी डिस्टर्ब करती थी और वो मुझे बताते थे बट आई थिंक वो ज़्यादा टेक्निकल इंफॉर्मेशन थी ऑल्सो um, बाकी भी कॉब्स यू नो हमारा एक वर्कशॉप जैसा हुआ था शूट के एक दो दिन पहले जहाँ हमें बताया गया था प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा लेकिन वर्तिका इज अ ओन पर्सन आप जो लिखा है वो हर लाइन हर थॉट, हर इमोशन और किसी को रेप्लीकेट करना नहीं था यस द ड्राइव द वांट उसके अंदर की जो फीलिंग थी वो इंटैक्ट थी जो छाया मैम में थी लेकिन फाइनली शी पर्सन और जैसा सेकंड सीजन uh, है इट्स अ फिक्शनलाइज वर्जन ऑफ अ ट्रू लाइफ इवेंट यू नो सो शी इज बिकम हर ओन पर्सन

आपने आप इस सीजन के साथ फर्स्ट टाइम एज ए डायरेक्टर जुड़ रहे हो लेकिन बहुत सारी जो इस तरीके की क्रिमिनल जो सीरीज होती है चाहे आप बुरारी कांड ले लीजिए या फिर आप अलग अलग ले लीजिए बहुत अलग अलग ऐसे होते हैं निठारी कांड हो गया बुरारी कांड हो गया इन सीरीज में ना जो ओरिजिनल कॉप्स थे उन्हें भी पूरी सीरीज में यूज किया गया था उनके थ्रू कहानी को आगे बढ़ाया गया था बट डेली क्राइम में कैरेक्टर्स जो है उनके थ्रू कहानी आगे बढ़ रही है कहीं आपको ऐसा लगा कि नहीं हम जो रियल कॉप्स थे उनको भी यूज करते हैं अपनी उनके भी बाइट सकते हैं उनको रखते हैं वो हमारी सीरीज में बीच बीच में बोले कि ऐसा भी हुआ था फिर हम ऐसा हुआ था कुछ ऐसा मोमेंट कहीं आपको लगा था या फिर आपको लगा था कि नहीं मेरे जो कैरेक्टर्स हैं वही पूरी कहानी को आगे बढ़ाएंगे और वही पूरा जस्टिफिकेशन देंगे <laughs> technical truth to be honest to be honest because that's what the audience is connected to now there are lots of times I get corrected a as well and we make adjustments you know but um, I didn't have I didn't have many moments like that to be honest we 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 um, had a good plan and I think that um, yeah I, I think we didn't ha I didn't have a moment like that to be honest with you और आपने सोचा कि नहीं मेरे कैरेक्टर जो हैं वही सही है उन्हीं के थ्रू मेरी कहानी आगे बढ़ेगी राजेश मैं आपसे जानना चाहती हूँ आप ना मोस्टली जो सीरियस रोल्स होते हो ना वो बहुत सारे करते हो कभी सोचा थी कि यार अब मैं थोड़ा हट कर ट्राई करता हूँ थोड़ा कॉमेडी में भी ट्राई करता हूँ या फिर कुछ ऐसा कुछ एक्शन ट्राई करता हूँ ऐसा कुछ सोचा आपने मैं करता नहीं हूँ मुझे मिलते हैं <laughs> पहला तो करेक्शन ये है कि <laughs> और दूसरा ये कि मैं कोशिश कर रहा हूँ एक दो काम मैंने अभी किए हैं जो थोड़े लाइटर मोमेंट्स हैं कॉमेडी है और राजेश बदमाश है oh. ये कही थैंक यू थैंक यू हाँ तो ये मेरे ये मुझे फ़ायदा होगा एक डायरेक्टर ने ये बोला है तो मेरे को कास्टिंग में हेल्प होगी क्योंकि मैं बदमाश भी हूँ मैं इतना भला इंसान नहीं हूँ प्लीज समझने की कोशिश कीजिए वो, वो क्या करे बताओ हाँ। देखिए डायरेक्टर ने भी बोल दिया है कि मैं बदमाश हूँ तो मुझे थोड़े नेगेटिव कैरेक्टर्स थोड़े हंसने हंसाने वाले ऐसे कुछ कैरेक्टर्स दिए जाए आपके जरिए अपील है सो so, वैसे तो ना मैं आप लोगों से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछना चाहती थी बट टाइम बहुत शॉर्ट है तो मैं क्विकली आप लोगों से रैपिड फायर करूंगी आप फटाफट एकदम मुझे जवाब देना रसिका हम आपसे स्टार्ट करते हैं अभी रिसेंटली ना आपका एक डांस वीडियो आया था ठीक है बहुत हट उसमें लग रहे हो तो मुझे आप ये बताओ कि डेली क्राइम जैसे सीजन्स करना आपके लिए ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है या फिर जब आप थोड़ा मिर्ज़ापुर टाइप करते हो और डांस की जबकि वो प्यारी सी इतनी वीडियो थी वो आपके लिए इजी होता है मतलब किसको आप बोलते हो यार इसमें थोड़ा इजी है ये मैं निकाल लूंगी इसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी मुझे तो सभी डिफिकल्ट लगता है एक्चुअली सब में मेहनत करनी पड़ती है लेकिन मज़ा सब में भी आता है मेहनत मेहनत में ही मजा है ओके सो नेक्स्ट सवाल मैं शिफाली आपसे जानना चाहूंगी शिफाली और वर्तिका दोनों में कितनी सनार बहुत सारी एटलीस्ट uh, मैं बिलीव करना चाहूंगी कि मैं उतनी ही राइटियस हूँ और वातिका का कोई फसाद नहीं है प्रिटेंस नहीं है और ना मेरे में कोई प्रिटेंस या ये है आ, मैं अपनी गलतियाँ मानती हूँ विच आ, मेरे घर वालों को मत पूछेगा उनके पास अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू होगा हमेशा अलग ही होता है बट बहुत सारी सिमिलरिटीज़ ओके राजेश आप सीजन में भी बेटे की शादी के लिए परेशान हो सीजन बेटे की शादी के लिए परेशान हो पर्सनल लाइफ लाइफ में your, uh, job, real, uh, में अपार्ट फ्रॉम योर जॉब अभी रियल रियल अ आपकी आपका जैसे हो रहा है नहीं नहीं बिल्कुल नहीं वो अपने आप कर लेगा मेरे को परेशान ना करे और ये सिर्फ आई एम श्योर राजेश रहे

Uh, और uh, एक फिल्म की है अविनाश अरुण के साथ कॉल्ड थ्री ऑफ आस्ट बहुत इंटरेस्टिंग कास्ट है इट्स uh, uh, जयदीप बेहलावत एंड स्वानंद किरकिे बहुत ही खूबसूरत कहानी है बट फिलहाल इट्स जस्ट टेलीग्राम्स और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि टेलीग्राइम्स फटाफट आए हम सारे सीजन एकदम देख लें रसिका आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स एक स्पोर्ट्स ड्रामा सीरीज किया है स्पाइक वो पोस्ट प्रोडक्शन में एक सुपर थ्रिलर

बिल्कुल वही अगर अगर शूटिंग लगातार चल रही है तो नींद से बड़ी कोई क्योंकि काम में तभी कर पाऊंगा अच्छा अगले दिन और मेरी तो नींद हराम हो जाती है <laughs> वैसे भी खराब है नींद और फिर तो वेल थैंक यू सो मच आपने अपना अपना really तो पहले वाले सीजन से भी डबल धमाका कर जाए और एमी अवार्ड्स के साथ साथ और भी बहुत सारे अवार्ड्स लेके आ जाए थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू